बोले थे जग मारे। धन्य हो कबीर, लाख लाख साहेब बंदगी आपको। कितना मार्मिक शब्द है कि हे संतों, सत्य बोलता हूँ तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। तो कबीर का सत्य बड़ा चोटदार सत्य था। कोई मुल्ला नमाज पढ़ रहा था, अजान दे रहा था, उसके पीछे खड़े होकर कबीर साहब बोल रहे थे, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, और ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो अजान देते समय वो मुल्ला पीछे मुड़कर देखा, कौन खड़ा है खुल्ला, देखा वो कबीर है, बोले तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये सब क्यों बोलता है। कबीर ने कहा, ये झूठा चिल्लाते हो अल्लाह इल्लाह, इससे कोई मतलब नहीं। जब तुम्हारे दिल में रहम नहीं है तो रहमान कैसे तुमको मिलेगा। पहले रहम दिल बनाओ। हिंदुओं को भी बहुत समझाया कबीर ने, कि व्रत रहते हो, सिंघाड़ा खाते हो व्रत में, व्रत का दिन खत्म होता तो खूब अंडा खाते हो, रामा रामा हरे हरे मुर्गी अंडा घरे घरे। कबीर कहते हैं, धन्य हो गोपाल, धन्य हो कविता देवी, खुशी कुमारी नंदन राय, आशीर्वाद है तुमको, धन्य है बेगूसराय, ग्राम गांधी ग्राम सोजा बिहार, आज आपकी ओर से सत्संग चल रहा है, क्या श्रद्धा है, आज आशीर्वाद भी लिया है आपने। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो यदि कोई अच्छे कार्य के लिए आपसे चंदा मांगता है, जो बन पड़े चंदा दे दो। यदि चंदा देने की श्रद्धा नहीं है तो उसकी निंदा मत करो, फिर छोड़ो, जाने दो। अभी राम मंदिर में बहुत चंदा आया है और राम मंदिर बन रहा है, इसमें हमको क्या परेशानी, आपको क्या परेशानी। और केवल 1% लोगों ने चंदा दिया होगा, 99% तो अपने घर में बैठकर क्या बोलते हैं, अरे बहुत बड़े बड़े सेठ लोग सब चंदा दे रहे हैं, अपना देख जरूरत नहीं हुआ, तो अपना क्या जरूरत है। राम मंदिर में प्रसाद बैठते हो तो 4 लड्डू लेक जरूरत है, बस फिर वहाँ लाइन में लग जाएंगे। बहुत बड़े बड़े लोग भोजन करते हैं तो अपने को भोजन खाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। बहुत बड़े बड़े लोग मच्छरदानी लगाते हैं, गद्दा बिछाकर सोते हैं, बड़े बड़े लोग रजाई ओढ़ते हैं तो अपने को जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती है। अरे बड़े लोगों से क्या लेना देना, अपना कर्म अपने लिए है, अपना पुण्य अपने लिए है, बड़े लोग कर रहे हैं, क्या बात करते हो फालतू। हाथी खा रहा हो तो बकरी ये सोच ले, अरे बड़े बड़े हाथी सब खा रहे हैं तो अपने खाने की क्या जरूरत, तो मर ही जाएगी शाम तक। छोटे लोगों को भी दान पुण्य करना चाहिए, गरीबों को भी दान पुण्य करना चाहिए, अमीरों को भी दान पुण्य करना चाहिए। दान देने से धन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है और बुद्धि की शुद्धि होती है। दान देने से धर्म की वृद्धि होती है और ज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ता है। सीमान के भक्त श्री अरविंद से बात हो रही थी, खड़े हो जाओ तुम। मैंने इनसे कहा, श्यामा देवी खड़ी हो, मैंने इनसे कहा कि अब प्रमोद सेठ खड़े हो जाओ, इधर पास में आ जाओ, पीछे खड़े हो फोटो आ जाओ। तो इन्होंने कहा, ये प्रमोद सेठ जो है, इनको लाया हूँ, ये थोड़ा सा ड्रिंक ले लेते हैं, और आए इसीलिए हैं कि आपके चरणों में छोड़ देंगे। तो हमने कहा, प्रमोद छोड़ोगे? बोले छोड़ दूंगा। तो मंत्र पढ़ दिया, छोड़वा दिया, अब छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि ये प्रमोद अगर छोड़ दिया और ये भक्ति में लग गया तो अब प्रोग्राम तुम्हारे यहाँ आसानी से हो जाए, कोई रहने की जगह मिलेगी, गार्डन वार्डन। बोले जिनका गार्डन है वो आपका प्रवचन सुनते हैं
और उन्होंने कहा है गुरु जी को तुम लाओ गार्डन फ्री और ऊपर से 2500 रुपया भी दूंगा, सोचो। तो हमने कहा तब तो पक्का हो जाएगा, बोले पक्का ही प्रोग्राम होगा। अब ये बच्चा प्रमोद आज शराब छोड़ने का संकल्प लिया, महान व्यक्ति है, और इसको व्यास गादी आशीर्वाद देती है, डंका बजा करके शंका मिटा करके लंका पे चढ़ जाओ वीरो, और इस शराब को छोड़ करके और गुरुदेव के चरणों में मन को जोड़ करके जीवन को महान बनाइए। धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, विद्वान बनो, चरित्रवान बनो, विवेकवान बनो, विचारवान बनो, और इस संसार के अंदर सुख शांति सम्मान से जिंदगी जियो। ये कचड़े में लफड़े में पचड़े में मत फंसे रहो, नशा व्यसन से मुक्त होकर के शानदार जिंदगी जीना सीखो। धन कमाना आसान है, धन को खर्च करना बहुत कठिन है। बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह चले जाओ। याद रखना, आप धन कमा सकते हो लेकिन धन खर्च करने की कला यदि नहीं है तो आपका धन आपका ही विनाश कर देगा। आप उसी धन से दारू पियोगे, उसी धन से जुआ खेलोगे, वही तुम्हारा कमाया हुआ धन तुम व्यभिचार में खर्च करोगे, उल्टे पलटे कर्मों में खर्च करोगे, तुम्हारा धन ही तुम्हारा विनाश कर देगा। इसलिए याद रखना, धन कमाने में जितनी बुद्धि लगती है उससे दुगुनी बुद्धि धन को बचाने में लगती है, और धन को खर्च करने में 1000 गुना बुद्धि लगती है, अन्यथा तुम्हारा कमाया धन तुम्हारा विनाश करके मानता है। ये धन कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है। एक आदमी बाजार गया, मेला में गया, वहाँ तलवारें बिक रही थी। उसने कहा अरे मैं भी तलवार खरीदूंगा, तलवार का क्या गुण होता है, क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंट है। तलवार बेचने वाले से पूछा तलवार किस लिए बेच रहे हो, इसमें क्या होता। तो बेचने वाला भी मज़ेदार था, उसने कहा ये चोर को मारती है, डकैत को काटती है, बदमाश को गिरा देती है, खंड खंड कर देती है और दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर देती है, इसमें बहुत गुण है, इसको ले जाओ तुम। बोले कितनी कीमत इसकी है, बोले इसकी कीमत मात्र 1000 रुपये। फट से पेमेंट किया, झट से तलवार लिया और घर में आ गया। रात में चोर घुसे, अब उसको तो विश्वास था तलवार चोर को मारती है, डकैत को काटती है और गुंडों को फाड़ देती, ये कर देती, वो कर देती, वो आराम से निश्चिंत था। तलवार को आदेश दे दिया उसने कि चोर घुसा, इसके टांग काट दे। तलवार नहीं उठी, नहीं गई, बैठी रही, पड़ी रही, सुनती नहीं है, आलस्य करती है। 1000 लगाया हूँ, चोर घुसा है, चल उठ काट, नहीं उठी। तो उस तलवार के एक लात मारा उसने, तो उसकी लात कट गई, पांव कट गया, पांव कट गया। तो बोला अरे दुष्ट तेरा मुंह कूच दूंगा। तो एक मुक्का मारा तो हाथ कट गया। अरे बोले घर ही में कत्ल करना जानती है, वो तो बताया था चोर को काटती, डकैत को मारती है और दुश्मन के खंड खंड कर देती, तेरे तो मेरी ही टांग काट दी, हाथ काट दिया। अब जब हाथ और टांग दोनों कट गई तो चोर आराम से चोरी करके भाग गए, वो दौड़ भी नहीं पाए। सवेरा हुआ, मलहम पट्टी कराया, बहुत इलाज हुआ, ठीक हुए। तलवार ले करके तलवार बेचने वाले की दुकान पर पहुंचे और बोले ये रही तलवार, पैसा कर वापस नहीं तो मारूंगा खोपड़ी पर तेरे। उसने कहा क्या हुआ। अरे बोले चोर घर में घुसा, उसी दिन घुसा, मैंने इस तलवार से कहा कि चोर की टांग काट, ये उठी ही नहीं, ये तो बहुत आलसी है। फिर मैंने डांटा तो इसको लात मारा गुस्सा में, तो मेरी लात काट दिया। और फिर मुक्का मारा तो मेरा हाथ कट गया। तो दुकानदार हंसने लगा, कहा मूर्ख, तलवार खरीदने में जितना धन लगता है, बुद्धि लगती है, उससे 1000 गुना तलवार का प्रयोग करने में बुद्धि चाहिए, नहीं तेरी तलवार तेरे को ही काट कर खत्म कर देगी। इसी तरह धन कमाने में जितनी बुद्धि लगती है उससे 10 गुना 1000 गुना ज्यादा धन खर्च करने में बुद्धि लगती है, नहीं तुम्हारा धन तुम्ही को काट के खत्म कर देगा।